गुड़गांव से 25 किलोमीटर दूर गांव दोहला में स्थित है खोबरी वाली माता का मंदिर। हालांकि इस मंदिर की विशेष मान्यता यह है कि यहां पर जो देवी माँ की प्रतिमा है उसे यहां स्थापित नहीं किया जाता। हालांकि यहां पर सैकड़ों लोग अपनी मन्नतें मांगने के लिए आते हैं। जब जिस श्रद्धालु की मन्नत पूरी हो जाती है वह देवी माँ की मूर्ति को अपने घर ले जाता है और जागरण करने के बाद अगले दिन दोबारा मूर्ति को यहीं विराजमान कर दिया जाता है। बहुत आते हैं, दिल्ली लोग के आते हैं, बहुत दूर दूर के आते हैं, आगरा के, दिल्ली के सब आते हैं यहाँ। तो विशेष मान्यता क्या है इस मंदिर की? मान्यता बहुत बढ़िया है। तो वैसे क्या बताते हैं जो प्राचीन आदमी है आपका? उनको फायदा हो जाती है, फिर दोबारा फिर आते हैं जी। तो कब मेला लगता है यहाँ पर? 7 को लगता है। तो ये जी की अरावली से निकली, पहाड़ से निकली अरावली पहाड़ से जी, और इसकी बहुत अच्छी मान्यता है जी, और लोग गांव के बाहर के सभी मानते हैं। इसकी खास बात क्या है यहाँ पर? यहाँ में सबकी जो आते हैं दिल से मानते हैं, उनकी मुराद पूरी होती है। तो देवी माँ की जो प्रतिमा है वो बताया जाता है कहाँ से निकली थी, कुछ बताया जाती है? पहाड़ के नीचे से निकली है, जोर है यहाँ। अच्छा, तो करीब कितने वर्षों से है यहाँ पर इनकी मान्यता? 65 साल तो मेरे बड़े बूढ़े बताए, बहुत पुराना मंदिर है जी, प्राचीन मंदिर है। हाँ, प्राचीन मंदिर है। देखो जी, ये 500-700 साल पुराना मंदिर है। हमारे यहाँ गांव में एक भगत थे माता जी ने, उनको स्वयं आवाज देकर बताई थी कि मैं इस अरावली पर्वत में हूँ जो कि ये नजदीक पास में ही है, और मुझे निकालो। वहां से माता जी निकाली गई, माता जी को यहाँ स्थापित करा गया। पर विशेषता यही है इस माता जी की कि ये माता जी, जैसे और मंदिरों में माता जी को स्थापित कर दिया तो ना वो हलती हैं ना जाती हैं। यहाँ जो भी श्रद्धालु आते हैं आने के बाद में अपनी मन्नत मांगते हैं, और माता जी से मन्नत पूरी होने के बाद में वो श्रद्धालु इसी माता जी को अपने घर लेके जाते हैं और माता जी का जगराता कराते हैं। दूसरे दिन शाम को फिर माता जी को लेके इसी मंदिर में स्थापित कर जाते हैं। और लोग, क्योंकि मंदिरों में मैक्सिमम मूर्तियां स्थापित होती है, यह तो स्वतः ही बोलकर यहां प्रकट हुई है माता जी। और इस माता जी की एक विशेषता और है कि इन्होंने बताया था कि मैं निम्न वर्ग के लोगों के घर पे जो मेरे पुजारी रहेंगे मैं उनसे पूजा अपनी कराऊंगी, और बाकी इस मंदिर में किसी को किसी भी तरह की जाति का कोई भेदभाव नहीं होगा, यहां सभी मेरे मंदिर में आएंगे, चाहे वो हरिजन हो, वाल्मीकि हो, अन्य कोई भी कास्ट से हो, माता जी के यहाँ सभी आते हैं, सभी अपनी मुरादें पूरी करवाते हैं। तो अधिकतर पुजारी जो रहते हैं वो किन में से रहते हैं यहाँ पर? यहाँ अधिकतर पुरानी पुजारी जो है वो अनुसूचित जाति के वर्ग के लोग रहते हैं। और यहाँ पर क्या खास बात है, ये कहाँ से निकली थी मूर्ति बताया जा रहा काफी? ये माता जी की मूर्ति, ये अरावली पर्वत है, इसमें पीछे एक जोहड़ है, तालाब है, उस तालाब में से निकाली गई थी माता जी की। यहाँ जो भी कोई आया आज तक वो हर मुराद पूरी करके गया। और लोग ये नहीं है कि इसको एक ही कोई दोहला गांव पूजता है या खोबरी गांव पूजता है या भैपुर, दिल्ली से लेकर बॉम्बे से दुनिया भर के लोग श्रद्धालु यहाँ आते, जिनका कहीं कोई काम नहीं बनता वो यहाँ उनके सारे बिगड़े काम बनते हैं। सैकड़ों वर्षों से यह परंपरा चलती आ रही है। वहीं यहाँ के लोगों ने बताया है कि इस मंदिर की विशेष खास बात यह है कि इसके जो सेवा भाव करते हैं वो यहाँ पर अनुसूचित जाति के लोग करते हैं, क्योंकि शुरू से लेकर आज तक यह परंपरा बनी आ रही है। और विशेष बात यह है कि जातीय भेदभाव को दूरी करने के लिए बुजुर्गों ने यह नियम बनाया था जो कि आज तक निरंतर बरकरार है। वहीं बताया जाता है कि यहाँ पर देवी माँ की जो प्रतिमा है वह पीछे जो अरावली पर्वत श्रृंखला है यहाँ से निकाली गई थी। बताया जाता है कि यहाँ पर कोई बहुत बड़े भगत होते थे जिनको माँ ने सपने में दर्शन दिया, उसके बाद इस देवी माँ की प्रतिमा को यहाँ से निकाला गया, उसके बाद यहीं पहाड़ों में एक मंदिर बनाकर इनको यहाँ पर विराजित कर दिया गया। हालांकि यहाँ पर मान्यता की बात करें तो दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं और अपनी मन्नतें माँ से मांगते हैं। सोहना से न्यूज़ 80 के लिए संजय राघव के लिए।